नमस्कार दोस्तों, रेफरेंस सोर्स का दूसरा पार्ट लेकर के मैं आया हूँ। देर ना करते हुए चलो शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर एक, साधारणतः विश्वकोश को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक सामान्य शब्दकोश, दूसरा विशिष्ट विश्वकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना किस तरह का विश्वकोश का उदाहरण है? इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना सामान्य विश्वकोश का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका किस तरह का विश्वकोश का उदाहरण है? तो यह भी सामान्य विश्वकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किस तरह का उदाहरण है? तो दोस्तों यह विशिष्ट कोश है। कैसा है यह विशिष्ट शब्दकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस किस तरह का विश्वकोश है? तो यह विशिष्ट विश्वकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? दोस्तों यह 1833 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रथम संस्करण कब हुआ था? 1833 में। और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रथम ऑनलाइन संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1977 में। दोस्तों सेम क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। उसका अमेरिकाना इंसाइक्लोपीडिया का जो प्रिंट एडिशन था वो 1833 में था, और उसका ऑनलाइन एडिशन कब हुआ? वो आया था 1997 में, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अंतिम अद्यतन मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों उसका जो लेटेस्ट प्रिंटेड एडिशन था वो 2006 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अंतिम अद्यतन संस्करण कितने खंडों में था? तो वह 30 खंडों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो प्रथम संस्करण 1771 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रथम संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तीन खंडों में, थ्री पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? उसका प्रकाशक कौन था दोस्तों? तो एंड्रयू बेल उसका प्रकाशक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम अद्यतन संस्करण कौन सा है? तो वो 15वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम अद्यतन संस्करण कितने खंडों में था? 32 खंडों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम अद्यतन संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? दोस्तों वह 2010 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम अद्यतन संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित है? तीन खंडों में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम अद्यतन संस्करण के कौन कौन से भाग हैं? तो पहला है माइक्रोपीडिया, फिर मैक्रोपीडिया, और तीसरा है प्रोपीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कौन सा भाग त्वरित संदर्भ सेवा के रूप में कार्य करता है? दोस्तों वह प्रथम भाग माइक्रोपीडिया, जिसमें शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के कौन से भाग में विषय पर विवरण दिया गया है? तो जो डिटेल्ड दिया गया है वो दिया गया हमारा माइक्रोपीडिया में। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कौन सा भाग ज्ञान की रूपरेखा का वर्णन करता है? तो वह तृतीय भाग या प्रोपीडिया। नेक्स्ट पार्ट है, ग्रंथ सूची वांङ्मय सूची के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्या है, ग्रंथ सूची पुस्तकों और प्रलेखों की व्यवस्थित सूची होती है, ये भी सही है। ग्रंथ सूची उपयोगकर्ताओं से संबंधित पहुँच के लिए की का कार्य करती है, कुंजी का, वो भी सही है। इसका उपयोग किसी विषय पर उपलब्ध प्रलेखों की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना, ये भी सही है। अतः इसके उपरोक्त कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रंथ सूची को इस प्रकार बांटा जा सकता है, क्या क्या टाइप्स हैं उसके, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, विषय ग्रंथ सूची और व्यापारिक ग्रंथ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो दोस्तों यह 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रकाशन किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो 2003 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB के ग्रंथ सूची का उदाहरण है, तो यह राष्ट्रीय ग्रंथ सूची नेशनल बिब्लियोग्राफी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बुक इन प्रिंट किस प्रकार की ग्रंथ सूची है, तो दोस्तों इंडियन बुक इन प्रिंट ट्रेड बिब्लियोग्राफी व्यापारिक ग्रंथ सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम क्या है, दोस्तों भारत की ग्रंथ सूची जो है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी शॉर्ट में INB कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INB का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन 1958 से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INB की आवृत्ति या पीरियोडिसिटी क्या है, तो मासिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का कंप्यूटरीकृत स्वरूप प्रकाशन किस वर्ष से आरंभ हुआ है, जून 2002 से इसका कंप्यूटरीकरण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किस के द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ये केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा, जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी है उसका जो सेंट्रल रेफरेंस है उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कितनी भाषाओं में किया जाता है, तो दोस्तों इसका प्रकाशन 14 भाषाओं में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INB में विशेष सूचियों का व्यवस्थापन, सूचियों का व्यवस्थापन किस क्रिया तरह किया जाता है, तो वर्गीकृत व्यवस्थापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INB की व्यवस्थापन हेतु किस वर्गीकरण पद्धति को अपनाया जाता है, तो दोस्तों इसमें कोलन क्लासिफिकेशन, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, दोनों क्लासिफिकेशन स्कीम उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INB के 3 इंडेक्स के भाग हैं, तो दोस्तों INB के 3 इंडेक्स है, क्लासिफाइड पार्ट, सब्जेक्ट इंडेक्स पार्ट और ऑथर इंडेक्स पार्ट, ये 3 पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा भौगोलिक स्रोत जो किसी स्थान के बारे में की सूचना जैसे ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, प्रशासनिक आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, तो वह क्या कहलाता है, वह गजटियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान के बारे में विभिन्न सूचना, विभिन्न महत्वपूर्ण स्थल पहुंचने के साधन आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, साथ ही उसमें स्थान का नक्शा, चित्र, दूरियों का भी प्रकाशन किया जाता है, वह क्या कहलाता है, यात्रा दर्शिका या ट्रेवल गाइड कहलाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के नक्शे का गोलीय प्रदर्शन क्या कहलाता है, तो दोस्तों वह ग्लोब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ इंडिया एक ट्रेवल गाइड किस तरह का सूचना स्रोत है, तो दोस्तों यह भौगोलिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, दोस्तों निर्देशिका एक महत्वपूर्ण संदर्भ स्रोत है जो किसी संस्था या व्यक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करता है, ये भी सही है। यह प्राय 2 प्रकार की होती है, संस्थागत निर्देशिका जो संस्थानों से संबंधित कार्य, उद्देश्य, पता, अधिकारी, सदस्य, फोन नंबर, फैक्स इत्यादि से संबंधित सूचनाएं प्रदान करता है, और दूसरा व्यक्ति संबंधी निर्देशिका जो व्यक्तियों से संबंधित नाम, पता, शैक्षणिक, व्यवसाय, फोन नंबर आदि से संबंधित सूचनाएं प्रदान करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है सी, ये भी सही है, इसका उदाहरण है ऑल इंडिया टेलीफोन डायरेक्टरी, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, इंडियन रजिस्टर ऑफ सोशल साइंटिस्ट इन इंडिया, सही है। विश्वकोश के पूरक के सप्लीमेंट इंसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन किस रूप में किया जाता है, तो वार्षिकी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी, भौगोलिक, सांस्कृतिक इत्यादि घटनाओं का संकलन किस में होता है, वह वार्षिकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपा ईयरबुक इसका उदाहरण है, यह वार्षिकी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट,
वार्षिकी आय बुक का दूसरा नाम होता है एनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिकी पंचांग जो मौलिक अंतर है वह वार्षिकी पिछले वर्ष के घटनाओं का वर्णनात्मक और सांख्यिकी विश्लेषण है, जबकि पंचांग पूर्वव्यापी घटनाओं का संकलन होता है, यानी कि भविष्य की घटनाएं पंचांग में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचांग या अल्मनक का उदाहरण है तो दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल अल्मनक, इन्फॉर्मेटिकल इन्फॉर्मनक और ट्रॉपिकल अल्मनक, ये तीनों पंचांग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, जीवनी चरित्र कोश के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष की जीवनी जिससे संबंधित घटनाएं महत्वपूर्ण प्रलेख आदि का संग्रह होता है, यह भी कथन सही है। इसका उपयोग प्रलेख संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा व्यक्ति संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है, यह पॉइंट भी सही है। इसके प्रमुख उदाहरण या एग्जाम्पल हैं, इंटरनेशनल हुई जू, हुई जू ही इन अमेरिका, इंडियन नी हुई जू आदि, तो ये सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों के द्वारा संदर्भ ग्रंथों के चयन के समय उद्देश्य प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता, अक्षेत्र आरूप फॉर्मेट, अद्यतन अप टू डेट मूल्यांकन, प्राइस व्यवस्था मैनेजमेंट आदि के अलावा निम्न में से किस मापदंड के आधार पर बनाया जाता है, तो पुस्तकालयों में उपयोग के आधार पर उसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हुई जू का प्रकाशन कौन करता है, तो इन्फा पब्लिकेशन उसका प्रकाशन करता है। नेक्स्ट है, इंडिया हुई जू का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, दोस्तों इसका प्रकाशन 1969 में 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हुई जू का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है, दोस्तों इसका प्रकाशन नई दिल्ली से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुई जू इन अमेरिका का प्रकाशन कौन करता है, तो मैनू मार्क यूज पब्लिकेशन इसका पब्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुई जू इन अमेरिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो इसका प्रकाशन 1899 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई जू इन अमेरिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है, शिकागो से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हु इज हु का प्रकाशन कौन करता है, तो दोस्तों इसका प्रकाशन जो है यूरोपा पब्लिकेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हु इज हु का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो दोस्तों 1935 में इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हु इज हु का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो यह न्यूयॉर्क से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज हु इन द वर्ल्ड का प्रकाशन कौन है, तो मार्क्यूज पब्लिकेशन इसके प्रकाशक हैं या पब्लिशर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज हु इन द वर्ल्ड कहाँ से प्रकाशित होता है, तो यह शिकागो से प्रकाशित होता है। तो दोस्तों यह सेकंड पार्ट था रेफरेंस सोर्सेज का, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। दोस्तों मैं एक दिन पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि जो लोग स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET TET की तैयारी कर रहे हैं, वह हमारे दूसरे चैनल स्टडी फॉर लर्नर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से आपको जानकारी मिल सकती है। दोस्त अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एक एक दिन आपके राजस्थान एग्ज़ाम का कम होता जा रहा है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और रिविज़न बार बार करते रहिए। धन्यवाद।